हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ, इस टाइम जो बरसात का टाइम है, इस टाइम आप कौन कौन से बास्केट के जो प्लांट हैं उनकी कटिंग लगा सकते हैं, किस किस प्लांट की। 20 से भी ज़्यादा प्लांट्स हैं जिसकी कटिंग आप बास्केट में लगा सकते हैं। अगर आपके पास गार्डन छोटा है, बालकनी गार्डन है या टेरेस गार्डन बहुत छोटा है, हैंगिंग का ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जुगाड़ हैंगिंग का है, तो आप ये वाले प्लांट चूज कर सकते हैं और इनकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं, या ख़रीद कर भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। ये जो टाइम है बारिश का, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और बेस्ट टाइम होता है, रूट्स डेवलप्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने पिछली वीडियो में परमानेंट प्लांट्स की कटिंग लगाना भी बताया था, और जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। और अब मैं हैंगिंग बास्केट के जो प्लांट है उनकी कटिंग लगाने के बारे में बताऊंगी, कौन कौन सी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये डॉलर प्लांट है, इसकी इसको भी आप अलग करके इसकी कटिंग भी आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और बास्केट में भी लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। जो मेनली जो बास्केट के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, इसलिए उनको बास्केट में लगाया जाता है, बास्केट प्लांट बोला जाता है हैंगिंग। और ये कलेंचो है, देसी कलेंचो है, हाइब्रिड कलेंचो भी आप लगा सकते हैं, देसी भी लगा सकते हैं, और इनकी कटिंग भी आराम से ग्रो कर सकते हैं, ताकि आने वाली टाइम विंटर्स में आपको इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाए। और ये अजवाइन का प्लांट है, आपको जो दिख रहा है सेंटर में, बहुत छोटे से प्लांटर में है, ये भी आप आराम से, ये कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है, कटिंग इसकी आप आराम से लगा सकते हैं बास्केट में इस टाइम। और ये जेड प्लांट की टोपियारी है, जेड प्लांट की कोई भी कटिंग आप इस टाइम लगा सकते हैं। और जो मेरे दोस्त टोपियारी या कुछ भी बनाना चाहते हैं बोनसाई जेड प्लांट का, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। और ये ड्वार्फ वैरायटी है मैक्सिकन पिटूनिया की, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्वार्फ वैरायटी है तो आजकल बास्केट भी बहुत बड़े बड़े साइज की आती हैं, जूट वाली जो आती है वो आप उसमें आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और ये हाइब्रिड कलेंचो है, इसकी कटिंग भी आप बास्केट में लगा सकते हैं, जो बड़े साइज की बास्केट आती हैं क्वायर वाली, उसमें आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ज़्यादा इसकी रूट्स डीप नहीं जाती हैं। और इसके अलावा मैंने आपको पहले दिखाए थे वॉन्डरिंग जू, ये है फर्न की वैरायटी, फर्न की वैरायटी को भी आप बास्केट में आराम से लगा सकते हैं, और इसकी शो भी खूब अच्छी लगेगी, इसके जब स्टेम नीचे की तरफ लटकती हुई दिखेंगी एक फ्लावर की तरह, तो इसकी अलग ही एक मतलब ब्यूटी बनती है अगर इसको आप बास्केट में लगाते हैं। तो ये कमल कैक्टस है, बड़े साइज की बास्केट में इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं आराम से, अगर कटिंग लग सकती है तो इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा मैच्योर प्लांट नहीं है, मैच्योर प्लांट की कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। और इसके अलावा टर्टल वाइन है और पर्पल हार्ट है, ये देखिए टर्टल वाइन, ये इसकी कटिंग भी आप आराम, इसकी कटिंग तो मतलब मिट्टी के ऊपर वैसे भी रख दोगे आप तो भी इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ लेंगी, मिट्टी के अंदर डालने की भी ज़रूरत नहीं है कटिंग को, वैसे ही ग्रो हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये देखिए मैंने कितनी कटिंग पिछली वीडियो में लगाने बताई थी, इनमें से भी जो ऐसे प्लांट हैं जैसे स्नेक प्लांट है, इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी है वो आप कटिंग लगा सकते हैं, और ये आपको साइड में बास्केट के और प्लांट दिख रहे हैं, मॉस रोज और जिसको बिच्छू बंटी या 9 to 5 भी कहते हैं, वो भी आप आराम से लगा सकते हैं। ये इसमें मैंने देखिए टेरेस पे लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, आजकल ब्लूमिंग भी आई हुई है, इसकी कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं।
सिंगोनियम पर्पल और पिंक दोनों ही कलर आप कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं बास्केट में ही। और ये देखिए, ये चीकू का शॉपिंग की है तो चीकू का प्लांट आया है, 450 में पड़ा है। इसमें दो चीकू तो बड़े बड़े लगे हुए हैं और भी फ्रूटिंग हर स्टेम पे शो हो रही है। देखते हैं और बनती है क्या, नहीं बनती। इसको मैं टेरेस पे लगाऊंगी बड़े से पॉट में, क्योंकि जो फ्रूटिंग प्लांट हैं वो बड़े पॉट में ही अच्छे से चलते हैं। और एक ये मिर्ची का प्लांट है, इसमें भी मिर्ची लगी हुई है दो तीन। इसको भी मैं टेरेस पे ही लगाऊंगी क्योंकि फुल सनलाइट के प्लांट हैं ये, और नीचे वाले गार्डन में ये नहीं चलने वाले। और ये देखिए, ये सिल्वर ओक का प्लांट है, इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं बड़े साइज के बास्केट में। और मनी प्लांट कोई भी टाइप का हो, चाहे बड़े पत्ते का हो, चाहे मार्बल मनी प्लांट हो, चाहे सिंपल मनी प्लांट है या गोल्डन मनी मनी प्लांट है, कोई भी वैरायटी है वो भी आप बास्केट में लगा सकते हैं। और ये है वॉन्ड्रिंग जू की वैरायटी। वॉन्ड्रिंग जू ये दो टाइप का आता है, इसको आराम से आप लगा सकते हैं कटिंग को। और ये मार्बल मनी प्लांट लगाया हुआ है साइड में, छोटे छोटे पॉट में लगाया हुआ है। बास्केट में तो इससे ज़्यादा मिट्टी आती है, उसमें तो आराम से ग्रो हो सकते हैं। पिंक सिंगोनियम का मैंने नाम लिया था, देखिए ये भी छोटे छोटे पॉट में लगा हुआ है, बास्केट में भी इतनी मिट्टी ही आती है, उसमें भी आप आराम से इसको लगा सकते हैं। और ये कटिंग से ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये सारा कॉर्नर सिंगोनियम का है, ऊपर ग्रीन वाला सिंगोनियम है और बीच में पिंक वाला सिंगोनियम है, पिंक वाला। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि जो भी अपने गार्डन में पैसा ज़्यादा लगाना नहीं चाहते वो इधर उधर से कटिंग लेकर आराम से ग्रो कर सकते हैं कटिंग को, और अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये टाइम उनके उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है। हालांकि परमानेंट प्लांट्स की कटिंग मार्च अप्रैल में लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस टाइम जो कटिंग लगाएंगे उनका 100% सक्सेसफुल रेट होगा। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।